एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज का वीडियो बहुत ही लेट शुरू कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही सारा काम था करने के लिए। तो फिर सुबह आके मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, अभी जस्ट कैमरा ऑन किया और सोचा कि आप लोगों का साथ जुड़ने के लिए अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि मुझे काम बहुत ही ज्यादा था तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सका। अभी जैसे फ्री हुआ तो आप लोगों के पास पहुंच गया वीडियो बनाने के लिए। और आज का लुक कैसा लग रहा है इस तो देख के मुझे बताना, बट मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता आप लोगों को। स्टोर रूम में सारा पूरा बिखरा हुआ है सामान वगैरह, यहाँ पे दिखाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को भी बोलेंगे कि यार कहाँ पे बना रहा है तो वीडियो गई। तो गाइस यही है मेरा वीडियो बनाने का जगह, जो आप लोग सबको पता ही है। फिलहाल तो ऐसा कुछ काम बचा नहीं है जो कि नहीं किया है, बट भाई का काम है, वो उसका बहुत सारा काम है, वो करेगा। आप सभी को बोला था कि कहीं पे जाने का प्लान बना रहा है हम लोग बोल के, सो कल फाइनली हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो आप लोग को भी लेके चलूंगा साथ में घूमने, आप लोग जाना, नया एक्सपीरियंस करना। मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे बताना। तो बहुत लोग ने बहुत सारा कमेंट किया था मुझे, पर वो सब भी बोलने का मन नहीं है वीडियो में। मैं ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा, क्यों ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा करने से भी आप लोग भी बोर हो जाते हो मुझे पता है। और मेरा बात सुन के तो बहुत लोगों को इरिटेट भी लगता होगा, बट क्या करूँ गाइस, इरिटेट होने वाले इरिटेट होते रहेंगे। जिसको अच्छा लगता है वो देखते रहेगा, है ना गाइस। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट का साथ ही हर दिन चलता हूँ मैं। मेरा स्टोर रूम का हालत देखिए गाइस, कैसा होके पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कार्टन वगैरह पूरा गिर गया, सब सजा के रखा था मैंने, शायद कुछ होके गिर गया होगा, पता नहीं। और गाइस एक बात बोलना था आप लोगों को, मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था, एक जिसमें थंबनेल लगाया था, ऑटो ऑटो था वाला थंबनेल एक लगाया था, वो वाला वीडियो में कॉपीराइट आ गया गाइस, पता नहीं क्या कभी से कॉपीराइट आया पता नहीं। और मुझे यूट्यूब से मेल आया कि इस वीडियो को जल्दी से डिलीट करो। सो गाइस वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ मैं, मुझे बहुत दुख लगता है गाइस, इतना कुछ बनाने का बाद, इतना मतलब मेहनत करने का बाद, उस वीडियो को आप मतलब कोई आके बोले कि ये वीडियो को डिलीट करो तो कितना खराब लगता होगा, अपना मन को दुख लगा। बट कोई नहीं, मैं उस वीडियो को फिर से अपलोड करूंगा, आप लोग देखना गाइस, देखना गाइस। और ढेर सारा प्यार देना। मैं गया था घर, घर जाके खाना वगैरह खा के आ चुका दुकान। जब घर गया था तभी मतलब आया मेल कि आपका जो वीडियो है कल डाला वाला, उसमें कॉपीराइट आया है, प्लीज उस वीडियो को रिमूव करें अपना चैनल से। तब बहुत दुख लगा, व्यू ज्यादा तो नहीं आया था, तब भी रात भर मेहनत करके बनाया था, दुख लगता है गाइस। पर वो है मेरे पास वीडियो, जिस ऐप से मैं एडिटिंग करता हूँ उस ऐप में है, तो वहां से उस जो पार्ट है जो कॉपीराइट वाला जिसमें आया है वो प्रॉब्लम, उसको काट के फिर से डालूंगा मैं। तो आप लोग जाना, देखना, ढेर सारा प्यार देना गाइस। और जो डेली ब्लॉग है वो तो आएगा ही। और आज का जो टॉपिक था, मतलब कुछ टॉपिक नहीं था गाइस, मैं बस हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे बनाता हूँ, कुछ ब्लैंक, कुछ टॉपिक होता ही नहीं है, बेझिझक वीडियो बनाता हूँ, जो मुंह पे आता है वो बोल देता हूँ। मेरे पास ना स्क्रिप्टेड रहता है, लिखा हुआ कुछ रहता ही नहीं है, मतलब मेरा मर्जी मैं जो भी बोलूँ, है ना प्लेटफॉर्म। बस क्या होता है ना, कभी कभी मैं गाना ऐसा ऐसा मतलब म्यूजिक ऐड कर देता हूँ तो उस वजह से वीडियो में कॉपीराइट लग जाता है, और बहुत ही दुख लगता है गाइस, बहुत ज्यादा। फिलहाल पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो फेल है मेरा। बहुत दिन हो गया गाइस इधर नहीं आया वाला। सो ये मेडिकल भी जाने वाला है अभी, यहाँ से 16 माइल, यहाँ पे अभी मेडिकल नहीं रहेगा जयपुर का, तो जगह में शिफ्ट हो जाएगा, पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा वो तो मुझे पता नहीं, यहाँ का MLA सर को पता होगा। बट यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, कोई रहता नहीं आगे पीछे देखने के लिए, इतना सुनसान एरिया है, अच्छा भी लगता है वो। और एक बात है, मतलब वॉइस भी बहुत कनेक्ट होता है आप लोग का साथ, और वीडियो में बहुत क्लियर वॉइस आता है, वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। फिलहाल ऐसे घूमने के लिए निकल गया था, मैं गया था असम राइफल, असम राइफल से आके सीधा आप लोग के पास आ गया वीडियो बनाने के लिए गाइस। कल हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, सो वो तो पता चल जाएगा आप लोग को कल का वीडियो में, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो सब सस्पेंस है अभी गाइस, तो कल ही मिलेगा आप लोग को। फिलहाल यहाँ पे गाइस अकेला हूँ मैं, अभी वीडियो बनाने के लिए आया था। और मैं ऐसा देखता हूँ ना हमेशा सोशल मीडिया में, बहुत ही सारा मतलब इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं कि
मतलब जो छोटा यूट्यूबर होता है उनको बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, बट कोई कोई है सपोर्टिव भी होते हैं, कोई कोई 100 यूट्यूबर से जो सक्सेस वाला है उसमें से 2 यूट्यूबर से भी सपोर्टिंग वाला निकलते हैं और सारे मतलब आपको नीचे दिखाने वाले ही रहते हैं। भी आज यही हुआ, मैंने किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट किया था आज, बस उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैंने फिर दूसरा को कांटेक्ट किया तो उसने बहुत ही बढ़िया बताया, मेरा इस चैनल में 2 स्ट्राइक आया हुआ था, 2 नहीं 3 स्ट्राइक आया हुआ था। पहले का 2 स्ट्राइक था और फिर कल का वीडियो में भी 1 स्ट्राइक आया हुआ था, सॉन्ग का वजह से, बैकग्राउंड म्यूजिक का वजह से। तो वो पूछने के लिए मैंने मैसेज किया था उनको, एक्चुअली इंस्टा से मैंने डीएम किया था उनको, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऊपर से उनका कोई मैनेजर वगैरह ने उठा वो रिप्लाई दिया, तो बहुत ही गंदा रिप्लाई था वो। बट मैंने दूसरा से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया मुझे, बोला कि आप वीडियो को डिलीट कर दो, उसका बाद वो खुद ब खुद कॉपीराइट 10 घंटे के बाद हट जाएगा बोल के। पता नहीं उन्होंने एक ये बोला मुझे 10 घंटा, मुझे पता नहीं कितना घंटा तक रहता है कॉपीराइट का वो। जो स्ट्राइक क्यों आया वो भी जानने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट पता नहीं, चलो गाइस जो हो सकता है। मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ तो फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक तो डालना ही है ना। कभी कभी क्या होता है ना, मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों। आज तो ऐसे लेट में शुरू किया क्योंकि मुझे काम बहुत ज्यादा था मेरा सुबह में ना। आज का दिन देखिए, मौसम देखिए कितना खुला हुआ, आसमान देखिए गाइस, ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा खुला हुआ दिन है आज। ठीक है, गर्म दिन भी शुरू हो रहा है अभी धीरे धीरे करके, गर्म दिन में कैसा कैसा वीडियो आएगा मुझे भी पता नहीं और आप लोगों को भी पता नहीं, देखना गाइस और प्यार देना। तो फिलहाल मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो गाइस, मेरा जैसा छोटा छोटा यूट्यूबर को। आप सभी को मेरा तरफ से प्यार है। एवरीवन गुड इवनिंग। सो हो चुका है शाम, मुझे नहीं करना है कुछ भी काम, काम कर करके हो गया मैं बदनाम। सो इतना ज्यादा काम उसलिए नहीं करना कुछ भी काम, बाहर में बहुत तीज आदमी है उसके लिए मैं अंदर आ गया वीडियो बनाने के लिए और आप लोग को गुड इवनिंग का विश करने के लिए। मैं घर गया था ये हुडी पहनने के लिए क्योंकि मुझे लग रहा था ठंडा, ठंडा का वजह से गया घर, जाके लगा के आया दुकान, तो आने का साथ साथ आप लोगों सामने हूँ गाइस पे अभी फिलहाल। गाइस 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 मैं एक बात बोलना भूल गया क्योंकि हर शाम को मैं एक बात बोलता हूँ सभी को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में रखना जैसे आने का साथ साथ वीडियो आप लोग का पास पहले पहुँचे, और जो फेसबुक से देख रहे हैं उन्हें तो खास करके मैं बोलना चाहता हूँ पेज को फॉलो करना, लाइक कमेंट शेयर दोनों कर देना गाइस, और ढेर सारा प्यार देना, और अपना फ्रेंड्स का साथ मेरा लिंक शेयर करना, उन्हें भी बोलना कि मेरा पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें गाइस। आप सभी को थैंक यू, वीडियो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए गाइस हमेशा का तरह। आज का दिन भी देखते देखते खत्म गाइस, और क्योंकि दुकान बंद हो चुका है हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके एडिटिंग भी करना है वीडियो का एडिटिंग करना है और कल कहीं पे जाना है। आप लोगों को कल का वीडियो देखने के लिए मिलेगा मेरा चैनल में, सो सस्पेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो आएगा करता हूँ, सीसीटीवी को ऑफ। मेरा मनी प्लान कब बड़ा होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इसको मैंने टकला कर दिया है। कब ब्लॉग को करता हूँ मैं यही एंड, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि गाइस।